दल पार्टी की सिंह वर्किंग विद प्रेसिडेंट, जो हिजाब के मामले आ रहे हैं, हिजाब के मामले में आज भी एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक हिजाब का मामला है जिसमें हम लोग इमीडिएटली वहाँ से पहुँचे। पहुँच के वहाँ के प्रिंसिपल से हमारी बातचीत हुई, तो जो इंटरिम कोर्ट ऑर्डर आया है वो कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से वो लोग वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो डीसी गुलबर्गा के डीसी है वो उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग डीसी कमिश्नर साहब से हमारी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को डीसी के ज़रिए से एक वर्बली इन्फॉर्मेशन मिली है कि ही हैज़ नॉट गिवन एनी सच इंस्ट्रक्शन, कि डीसी कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कॉलेजेस को। रिटर्न्स में जब इंटरिम कोर्ट ऑर्डर इशू हुआ, इशू होने के बाद वो सारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स को बुला के ये बताए कि इंटरिम कोड ऑर्डर जो ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड जो कॉलेज को लागू होता, पीयूसी कॉलेजेस को लागू होता, वो लोग ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। बावजूद यहाँ पर ये देखा जा रहा गुलबर्गे में कि ये इंस्ट्रक्शन को है नाजायज तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा, गलत तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा। डीसी हैज़ क्लियरली इंस्ट्रक्टेड, जब हम डीसी को बताए कि फलाने कॉलेज में ये हिजाब के मामले को लेकर लड़कियों को वापस भेजे, तो डीसी हैज़ क्लियरली गिवन अस इंस्ट्रक्शन कि वो कॉलेज के ऊपर एक FIR फाइल करो और वो कॉलेज के एक कंप्लेन लेटर डिप्टी कमिश्नर को देना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर लेटर देने पर डीसी विल टेक एक्शन ऑन दोज कॉलेजेस। तो बोलना ये है कि गुलबर्गे के आवाम को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जो डीसी से जो ऑर्डर इशू हुआ, इट्स ए वर्बल एक मीटिंग थी, ही हैज़ नॉट गिवन एनी रिटर्न ऑर्डर, कोई एक रिटर्न ऑर्डर कोई कॉलेज को दिया नहीं, सिर्फ बदमाशी कर रहे हैं ये लोग और बदमाशी कर है नहीं, ये परेशान कर रही है बच्चियों को। इसलिए मैं पूरे माँ बाप जितने भी ये स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर गुलबर्गे के नौजवान आप लोगों के साथ हैं और यकीनन हम लोग जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो कोर्ट के ऑर्डर का समर्थन करते हुए जो भी कॉलेज से अगर इंस्ट्रक्शन के बियॉन्ड जाकर, कोर्ट के बियॉन्ड जाकर अगर ये करेंगे तो सबसे पहले हम FIR करेंगे वो कॉलेज प्रिंसिपल और वो कॉलेज का। तो कॉलेज में और एक हम लोग एक स्टूडेंट हेल्पलाइन हम लोग जारी कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें पर्टिकुलर जो इशू को हैंडल कर रहे गुलबर्गे में, जैसा कोविड के टाइम पे एक हेल्पलाइन सेंटर बना था वैसे एक हेल्पलाइन सेंटर हम लोग लागू करने वाले हैं और वो मीडिया के थ्रू सर्कुलेट करेंगे। तमाम पेरेंट्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर हम लोगों के रहेंगे वो कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने बच्चों को दे सकते हैं कि कल के दिन अगर कोई भी कॉलेज में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ तो इमीडिएटली आप हमको वो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम वहाँ पर मौजूद होकर वो लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे। लिहाजा जो पॉलीटेक्निक कॉलेज में आज जो इशू हुआ, अल्लाह के एहसान से कम्युनिकेशन के बेसिस पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आज वो कॉलेज के प्रमेसिस वो बच्चियों को कॉलेज में लेने रेडी हो गए। इंशाल्लाह कल से वो बच्चे जाएंगे। इससे ये जाहिर होता है कि दूसरे जो प्रिंसिपल से दूसरे जो कॉलेज है जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करना चाह रहे उनको ये चीज़ सोचना है, उनको ये चीज़ देखना है कि दूसरे कॉलेज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मूवमेंट होकर इसको काम कर कामों को आगे बढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स को अंदर ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ निकलना चाह रहे हैं। लिहाजा दूसरे स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी मैं गुजारिश करता हूँ स्कूल के मैनेजमेंट से कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन मत लो, स्टूडेंट के करियर के साथ मत खेलो। अगर स्टूडेंट के करियर के साथ खेलना या हिंदुस्तान के करियर के साथ खेलना बराबर है। थैंक यू।